किसी भी देश के लिए युद्ध लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी युद्ध किसी देश को लगभग 30 साल उसकी अर्थव्यवस्था के अंदर पीछे ले जा सकता है। पर ये मुश्किलाहत और बढ़ जाती है जब युद्ध के दौरान में ही टॉप सोल्जर्स, टॉप कमांडर्स किसी देश के गायब होने लगे या लगातार उनकी मृत्यु की खबर आने लगे। इन खबरों के माध्यम से देश के अंदर एंजाइटी बढ़ती है, सोल्जर्स का मोरल डाउन होता है, और यही चीज़ अभी ईरान झेल रहा है। ईरान के अंदर लगातार हिजबुल्ला के ऊपर इसराइल के द्वारा जो अटैक हो रहे हैं लेबनान में, वहाँ पर कई सारे ईरानियन टॉप लीडर्स की डेथ की खबर आती हुई दिखाई दे रही है। और ठीक उसी बीच रिसेंटली इसराइल के टॉप कमांडर इस्माइल कानी की मृत्यु की खबर आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट कह रही हैं कि वो काफ़ी समय से मिसिंग है। अब जो इस्माइल कानी है, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये कुछ फोर्स के टॉप कमांडर हैं। कुछ फोर्स ईरान की वो फोर्स है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला हो, या फिर वो कोई और ग्रुप हो जो मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रहा है, उसे सुपरवाइज करने का और उनके प्रॉपर यूज़ को मेक श्योर करने का काम यही इलाइट फोर्स करती है। और इसी कुछ फोर्स के चीफ हैं इस्माइल कानी। कुछ फोर्स कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसके कमांडर कितने बड़े होते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं। जब थोड़े समय पहले कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी एक ड्रोन अटैक के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा, ये कासिम सुलेमानी भी कुछ फोर्स का ही कमांडर थे। ऐसी कंडीशन के अंदर कानी की घूमने की खबर या फिर जो इनके मृत्यु की बातें पूरे मार्केट में फैल रही हैं, उसकी वजह से ईरान के अंदर किस तरीके से एंजाइटी का माहौल देखने को मिल रहा है और ईरान ने यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया है, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूँगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहाँ पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा GS, CSET, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सारी चीज़ों की कंप्रहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को दी जाएगी 1-on-1 मेंटरशिप, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। UPSC CSE 2023 के अंदर इंडिया के बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी द्वारा दिए गए हैं। अगर आपको UPSC की तैयारी के साथ में स्टेट PSC की भी तैयारी करना है, जैसे अगर आपको BPSC की तैयारी करना है, तो आप हमारे पटना वाले ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो, और UPPCS के लिए आप हमारे प्रयागराज वाले ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, इस्माइल कानी के मिसिंग होने की रिपोर्ट अभी मीडिया के अंदर फैल रही है। अब ये इस्माइल कानी है कौन, तो मैंने आपको बताया कि ये इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जिसे कुछ फोर्स कहा जाता है, जो अपने आप में बहुत इलाइट फोर्स है इसराइल की, जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप हैं उन सबको सुपरवाइज करने का काम और उनको किस तरीके से यूज़ करना है, जैसे हमास को क्या काम करना, लेबनान के अंदर हिजबुल्ला को क्या काम करना, उनको कितने हथियार सप्लाई करना, ये सारी चीज़ ये कुछ फोर्स देखती है। ऐसी कंडीशन में कुछ फोर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके कमांडर ईरान के लिए अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। वही कमांडर हैं इस्माइल कानी, जो कि थोड़े समय पहले लेबनान के अंदर गए थे। अब लेबनान के अंदर क्यों गए थे, देखो लेबनान के अंदर क्या हो रहा था, लगातार अटैक जो है वो इसराइल के द्वारा किए जा रहे थे, और टारगेटेड अटैक के अंदर कई सारे लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के लीडर्स की डेथ हो रही थी, और अधिकतर ये जो लीडर्स थे, ये लीडर्स किसके द्वारा सप्लाए थे, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे लीडर ईरान द्वारा सप्लाए थे। तो लगातार ईरान के टॉप लीडर लेबनान के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। रिसेंटली खबर ये आई कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर हिजबुल्लाह को
कोई ना कोई गार्ड करने वाला, कोई ना कोई लीडर की इमीडिएट आवश्यकता थी, जब तक कि एक नए सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर तैनात नहीं होते। ऐसी कंडीशन के अंदर हिजबुल्लाह को लीड करने के लिए कानी को भेजा गया था। पिछले थर्सडे के दिन वापस से इसराइल द्वारा अटैक किए गए लेबनान के ऊपर, और जब लेबनान के ऊपर अटैक किए गए तो इस अटैक का जो मेन टारगेट था वो था सफेदिनी। सफेदिनी अपने आप में एक बहुत बड़ा लीडर है हिजबुल्ला का, जिसकी इस अटैक के अंदर डेथ हुई। बट इस डेथ के बाद लगातार ईरानियन सोल्जर्स और कुछ ईरानियन ऑफिशियल का कहना यह है कि इस्माइल कानी के साथ में भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, और इवन इस्माइल कानी को थर्सडे के बाद किसी भी पब्लिक गैदरिंग के अंदर नहीं देखा गया, जिसके बाद सब दूर ये रिपोर्ट फैलने लगी कि इस्माइल कानी मिसिंग है। इवन टर्किश मीडिया और सीरियन मीडिया के द्वारा तो ये भी क्लेम किया गया कि इस्माइल कानी की डेथ हो चुकी है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, जब ये डेथ की खबर सामने आने लगी, उनके मिसिंग की खबर सामने आने लगी, तो ऐसी कंडीशन में कुछ फोर्स के डेप्यूटी कमांडर इराइज मस्जिदी द्वारा यहाँ पर खुद इस्माइल कानी जो कि कमांडर है वो सामने नहीं आए, बल्कि डेप्यूटी कमांडर द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि इस्माइल कानी गुड हेल्थ में है और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। केवल दो स्टेटमेंट का ये स्टेटमेंट सामने आया, दो लाइन का एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सामने आया, जो कि सफिशिएंट नहीं था लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि इस्माइल कानी जिंदा है, मिसिंग है या नहीं है, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर एंजाइटी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर भविष्य में ये रिपोर्ट सही साबित होती है और इस्माइल कानी की मृत्यु सच में हो चुकी होती है, तो ऐसी कंडीशन में इतनी इम्पॉर्टेंट पोस्ट को आगे कौन होल्ड करेगा, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी लेबनान के अंदर लगातार इसराइल द्वारा अटैक किए जा रहे हैं, ईरान के ऊपर भी अटैक का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच में ईरान जो है वो लेबनान के अंदर इवैक्यूएशन प्लान को ऑलरेडी डिले कर रहा है, प्रॉपर रूप से नहीं कर पा रहा है, कई सारे लीडर्स की ऑलरेडी डेथ हो रही है, और इस तरीके की मिसिंग रिपोर्ट्स लगातार ईरान की पावर को इस युद्ध के अंदर कम करती हुई दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ देन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप अन अकेडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।